हमारे वीडियो को आप देखिए, आप देखते रहेंगे और साथ साथ इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और तब तक अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो की आप तैयारी करें, इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, शेयर करना ना। बाय बाय, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो? तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो है वो कुछ खाने पीने के बारे में है। मतलब हमने आज क्या किया, क्या दिन की शुरुआत कैसी हुई हमारी और हमने क्या किया वो हम थोड़ा बताएंगे, और थोड़ा बहुत हम पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश करेंगे ताकि लोग नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा दूर हो सकें। तो आइए हमारा वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, सुनैना क्या खा रही है? गोलगप्पे खा रही है। आपने यहाँ क्यों लिया है, बाहर क्यों नहीं खा रहे हैं गोलगप्पे, बताओ हमारे सब्सक्राइबर्स को। मैंने सोचा आपको भी खा दूं। क्या आप भी खा लो मेरे साथ? अरे मैं तो सूप पी रहा हूँ, ये देखो फ्रेंड्स मेरा सूप। फ्रेंड्स आज गोलगप्पे मम्मी मेरे लिए लाई है, कोई भी नहीं खा रहा मेरे साथ, मैं अकेले खा रही हूँ। दो चार गोलगप्पे, पांच गोलगप्पे एक में खा गई, छह गोलगप्पे थे। और मीठा खट्टा पानी मिक्स कर करके खाऊंगी मैं। छोले डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे आलू, अभी उसमें हम मीठा पानी डालेंगे थोड़ा, और थोड़ा डालेंगे पानी। फिर हम रखेंगे अपनी प्लेट में, अब हम इसे खाएंगे। तो ये बताओ, गोलगप्पे का आविष्कार किसने करा था? जिसने भी करा, लेकिन काम अच्छा। नहीं आपको नहीं पता, गोलगप्पे का आविष्कार हमारी दादी के ना पूर्वज ने करा था। आपकी दादी? हाँ, उनका नाम था श्रीमती पतासी बाई। और वो तो पतासों का कराओगे। और क्या कहते हैं, लखनऊ में इन्हें कहा जाता है पानी के पतासे। हाँ, उत्तर प्रदेश साइड में इलाहाबाद उस तरफ, लखनऊ। गोलगप्पे का आविष्कार भाभी कर गई है? हाँ। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। ये हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े काम कर रखे हैं। बड़े दिन से मेरा खाने का मन कर रहा था, लेकिन जिस पाल से खिला ही नहीं रहे थे। आज मेरी M1 मेरे लिए लेके आई है गोलगप्पे, और कोई खा नहीं रहा। नोप्स, हम पियेंगे सूप, स्वीट कॉर्न सूप। मम्मी पापा अपनी आंखों के चेकअप ले होकर आए थे, तो बताना आपका क्या हुआ चेक आंखों में, और कहाँ पे आप गए थे? मैं अपनी वाइफ मंजीत कौर भाटिया को लेके गया था दृष्टि आई सेंटर के अंदर, और उन्होंने मेरी वाइफ की जांच की आंखों की, और उसमें यह पाया गया कि इनको मोतियाबिंद है और इनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरे पास मेडिक्लेम की पॉलिसी भी है, जो कि मैं दो चार दिन में मतलब है हॉस्पिटल जाके और मैं अपनी वाइफ का वहीं से ऑपरेशन कराऊंगा, क्योंकि दृष्टि आई सेंटर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और आज आपको मतलब चेकअप हुआ तो क्या पाया गया? आज मेरे को बड़े दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा आज चेकअप करवाऊँ, तो उसने मुझे बोला कि आपका मोतिया आ रहा है, तो अभी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे 5-6 दिन का समय अभी हमने लिया, फिर हम जाकर फिर चेकअप करवाएंगे एक बार। आज उसने मुझे दवाई डाली, तो सारा दिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता रहा और मैं लेटी ही रही। जब मैं आँख खोलती हूँ तो मुझे सामने कुछ गोल गोल सी लाइट आंखों में पड़ती है। आजकल हर बंदे को कुछ ना कुछ मतलब बीमारी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उसको। ऐसा इंसान की बॉडी क्यों इतनी खराब होती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है बाबा? सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें बाहर की चीजों का अवॉइड करना चाहिए। सही बात। और बहुत ही तरीके से जो अपने घर के अंदर भी यूज करते हैं उसको कम यूज करना चाहिए, और ज़्यादातर तली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक रहती है।
इसलिए कभी बीमारी आने का खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं जहाँ भी किससे मिलता हूँ या किसी के भी मतलब घर में जाता हूँ या करता हूँ, हर कोई कहता है यार उसको ये हो गया, उसको ये है, उसको शुगर है, उसको वो है, उसको कुछ है, तो मुझे कोई नहीं कहता उसकी बॉडी फिट है, ऐसा क्यों? इसका इसका जो मेन कारण यही है कि हम अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते। ये बड़ा रॉन्ग है। अगर हम बॉडी की तरफ ध्यान दें और समय अनुसार खाना खाना, समय अनुसार उठना, समय अनुसार सो जाना और कार्य करना, इससे हमारी बॉडी को अच्छा मतलब रिलैक्स मिल सकता है, जो कि हम करते नहीं हैं। अपनी मर्जी से उठ के और जब मर्जी खाना खा लिया, चाहे 3 बजे खा लिया, चाहे 4 बजे खा लिया दोपहर को, इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बॉडी को पूरा स्ट्रक्चर में पूरा रेस्ट भी मिलना चाहिए और वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। अच्छा अच्छा, ये आजकल जो इतनी ज़्यादा शुगर की बीमारी मतलब फैली हुई है, इसे मतलब बीमारी नहीं बोल सकते, इसको एक बीमारी से पहले का एक मतलब सिम्टम कह सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत बीमारी हम मतलब पैदा होती हैं, इसके बारे में क्या कहो, क्योंकि आपको खुद शुगर है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शुगर की जो बीमारी वगैरह है वो कभी एंड नहीं होती, सिर्फ कम हो सकती है शुगर, कंट्रोल हो सकती है। इसका मेन कारण सिर्फ ये है कि अगर पर्टिकुलर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी के स्ट्रक्चर को बना के रखेंगे, तो शुगर ज़रूर कम होगी आपकी। शुगर बनने का कारण क्या होता है कि ब्लड के अंदर थिकनेस आ जाती है, ब्लड जो जम जाता है, फिर जो हम चीज़ खाते हैं उसको ज़्यादा पचती नहीं है हमारे को, वो उसको पचाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। हमें समय से उठ के, जल्दी उठ के 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए, जो कि हमारा पेट भी सफा हो और हमारी बॉडी को भी आराम मिले, और बॉडी वर्किंग तब करती है जब हम फिट हों। तो आपको जब आपकी शुगर की अगर हाई होती है तो आपको मतलब फील होता है यार एक बॉडी में मतलब ताकत कम है, एनर्जी कम लग रही है, फीलिंग आती है? कुछ फीलिंग आती है, काफ़ी पता लग जाता है ऑटोमेटिकली कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कारण क्या है। इसके पीछे सर्व कारण एक ही होता है, या तो ओवर डाइटिंग कर ली, या फिर किसी तरीके से हमने कोई तली चीज खा ली, या किसी कारणवश हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो अंदर से अनफीलिंग महसूस होती है। तो जैसे अनफीलिंग महसूस होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और अननेसेसरी पैसे डॉक्टर को देने पड़ते हैं। ऐसा ना, सेक्टर 16 में एक बहुत अच्छा मतलब शुगर का एक सेंटर है, उसका मैंने वीडियो पहले बना रखा है, तो वहाँ बोलते हैं कि सारा कुछ होम्योपैथिक मतलब तरीके से उसका होता है इलाज, और बिल्कुल क्या करें नेचुरल तरीके से होता है। तो आपके कोई मतलब सर्कल में ऐसा बंदा है जिसने मतलब ऐसा इलाज मतलब करवाया और उसकी मतलब सही हो गई हो? होम्योपैथिक का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा इलाज ये है कि उसमें कंट्रोलिंग पावर बंदे को करनी पड़ती है। वो तो नहीं, वो तो है ही, पर वो ये बोलते हैं हम शुगर को ना पूरा मतलब हटा देते हैं, वो हटा सकते, डायबिटीज पूरी हटा देते हैं। आपको हर प्रकार के बोलेंगे, आपको चावल नहीं खाना, आपको राजमा नहीं खाना, आपको चने नहीं, वो करने वो नहीं करना, मतलब है कई प्रकार की सब्जियां वगैरह है जिस पर आप रोक लगाते हैं, तो पराठा नहीं खाना आपको, तो कई प्रकार की वो रोक लगाते हैं, तो फिर जो इंसान है उसको हर चीज़ खाने को मिलती है, वो खोजता है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, तो वो मतलब केयरलेस हो जाता है। अगर हम होम्योपैथिक की दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रक्चर ठीक बना रहेगा। मैं अपने फ्रेंड्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं उससे हाउ आर यू, वो जाने जाने में ये कह देता है कि मेरे को ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, तो इट शुड नॉट बी, ऐसे नहीं होना चाहिए। आदमी को हमेशा कहना चाहिए कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो फिटनेस से क्या होता है कि आपकी आधी बीमारी तो वैसे ख़त्म हो जाती है। सही बात है। अगर आप हॉस्पिटल में दाखिल है और डॉक्टर साहब अगर आपको बोलते हैं आप तो बिल्कुल ठीक हो, तो आधी से ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही पुश हो जाती है, चली जाती है। सही बात है। तो मैं सब अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बहनें हैं, माताएँ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई किसी से हाल पूछता है हाउ आर यू, तो उसको ये बताइए कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। अनलेस अनटिल ये मत बनाइए बताइएगा कि मेरे को इस चीज़ की बीमारी है या मेरे को इस चीज़ की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ ट्रीटमेंट से ही सॉल्व होती है। सही बात है। तो मैं फिर आग्रह करूँगा अपने दोस्तों को कि जब भी कोई किसी से मिलता है आप ऑलवेज ये बोलिए आई एम फिट, आई हैव नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में एक बात पहुँचाना चाहता हूँ,
और बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे वीडियो को आप देखिए, आप देखते रहेंगे और साथ साथ इसको लाइक भी कीजिए और सरप्राइज भी कीजिए। और तब तक अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो की आप तैयारी करें, इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।